नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवदेश टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। बीकानेर में प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने विट्रो 3600 इम्यूनोलॉजी मिशन का उद्घाटन किया। हार्मोन से जुड़ी जांचें होंगी निःशुल्क। सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर गुंजन सोनी ने बायोकेमिस्ट्री विभाग में विट्रो 3600 इम्यूनोलॉजी मिशन का उद्घाटन किया है। सवाई माधोपुर में जिले के गंगापुर सिटी के कोतवाली थाना क्षेत्र में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक पूरण सिंह 5000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया ट्रैप। एसीबी टीम कर रही पूछताछ। कोटा में इटावा स्वास्थ्य केंद्र को मिली एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयासों से खाद भंडार निगम ने की भेंट। बिरला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए और अधिक प्रतिबद्धता के लिए किए जाएंगे प्रयास। जोधपुर में राजीव गांधी में मृतका आयशा के परिवार जन पत्रकार से हुए रूबरू। पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, न्याय की लगाई गुहार। परिवार ने कहा ससुराल पक्ष करता था प्रताड़ित। सीकर में कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री सीटर टोनी खटीक को निकाला पैदल जुलूस। गुटखा व्यापारी से मारपीट व डकैती के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार। जोधपुर में पिछले 22 दिनों से जयपुर में चल रहे मंत्रालय कर्मचारी महादा के समर्थन में और जलदाय कर्मियों की मांगों को लेकर राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर्मचारी महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में महानगर टाइम्स मीडिया पार्टनर व राजस्थान शॉपिंग फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। पूर्व चेयरमैन विनोद शर्मा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। राजस्थान फेस्टिवल का समय लगभग एक महीने चलेगा। अजमेर के अराई में ग्राम भोगादित में प्रशासन गांवों के संघ शिविर और महंगा इलाज शिविर का आयोजन किया गया। विधायक सुरेश स्टाफ ने शिविर में की शिरकत। विधायक ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को लाभ उठाना चाहिए। नागौर के खिमसर में लापरवाह ट्रेलर चालक ने 3 लोगों की ली जान। ट्रेलर ने मारी बोलेरो कैंपर को टक्कर। सूचना के बाद अस्पताल में ग्रामीण हुए एकत्रित। पुलिस कर रही मामले की जांच। कल दिनांक रात को 11:30 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि बांक रोड और टाकला के पास एक पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रेलर और एक बोलेरो कैंपर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। मैं कृष्ण कुमार यादव आरपीएस प्रोबेशनर, मैं जाप्ता रामचंद्र जी एएसआई मुकेश जी सब इंस्पेक्टर, सब लोग मौके पर तुरंत पहुँचे। जो लोग मृतक थे उनको हमने खिमसर मोर्चरी में पहुँचवाया। जो घायल थे उनको तुरंत हमने एक को मनाराम को हमने पहुँचवाया जेएल एन नागौर हॉस्पिटल, और दूसरे को हम लेकर आए खिमसर हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनको तुरंत उपचार शुरू किया गया, जो अभी स्वस्थ हैं। और संबंधित परिवार वालों को सूचना दी गई और सुबह इनकी पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो शरीर है इनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। झालावाड़ के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर एक बदमाश ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक रिचर्ड तोमर ने नेतृत्व में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 15 पुलिस अधिकारियों और करीब 250 पुलिस जवानों की 20 टीमें लगातार जगह जगह दबिश देकर छापेमारी कर रही है। इसमें पुलिस की लगभग 20 के आसपास टीमें पूरे जिले में काम कर रही हैं, सारे पुलिस के सीनियर अधिकारी। मैं खुद यहाँ पर हूँ, हमारे एडिशनल एसपी सीओज एसएचओज उन्हीं के नेतृत्व में टीमें बनी हुई है। जिले की डीएसटी टीम, हमारे पास जो आरएसी का जाप्ता है वो भी जंगल में कॉम्बिंग कर रहा है, तो पुलिस इसमें युद्ध स्तर पर लगी हुई है। झुंझुनू में 3 अवैध देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर व 4 जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। एसपी मृदुल कछवाहा ने एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ 18 प्रकरण है दर्ज। कुल संख्या डेटा लेना पड़ेगा, बाकी पिछले कुछ समय में 2022 में भी और 2023 में भी, चाहे वो थाना पुलिस हो चाहे डीएसटी टीम हो, सभी ने लगातार अवैध फायरआर्म्स के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। ये बात भी सही है कि अभी भी और क्षमता है इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और गुंजाइश बाकी है। झुंझुनू में बजरंग दल को बैन करने की बात पर भड़के और कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कार्यकर्ता बोले कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति कर रही है। श्री राम भाई साहब, हमारी यही मांग है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यही मांग है पूरे राष्ट्र से, कि हम राष्ट्र विरोधी लोगों को नहीं फटकने देंगे। हम राष्ट्र निर्मित समर्पित व्यक्ति है, उन्हीं को चाहते हैं। देश में वही होना चाहिए जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। हमने कांग्रेस को कब छेड़ा? कांग्रेस ने चला के हमें छेड़ा है। क्या PFI से हमारी तुलना करना न्याय संगत है? वो एक आतंकवादी संगठन है, पूरा देश बोल रहा है, पूरे विश्व में है वो PFI आतंकवादी संगठन। उसके साथ बजरंग दल की तुलना करना बहुत ही भ्रामक, नालायक
मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया कांग्रेस ने। सिरोही के माउंट आबू में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में बनाया गया हेलीपैड, तैयारियों को लेकर जुटे प्रशासनिक अधिकारी। नागौर की मेड़ता में सिटी के प्रेस क्लब सदस्यों का किया अभिनंदन, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुशील दिवाकर की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात की टीम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पहुंची। गोपनीय परिवार पर मुख्यालय से मिले निर्देश पर टीम ने आरटीओ में जाकर पूछताछ की। करीब चार घंटे तक एसीबी की टीम आरटीओ में रुकी, इस दौरान फैकल्टी व स्टाफ से की पूछताछ। झुंझुनू के पिलानी में रोडवेज की टक्कर से घायल हुए युवक ने तोड़ा दम। आक्रोशित समाज ने सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन कर रहा समझाइश के प्रयास। सिरोही में हजारों की संख्या में सर्व समाज के साथ सगरा समाज के महिला के हत्याकांड की जांच की मांग। महिला किरण की मासूम 3 साल की बच्ची ने प्रशासन से की मांग। सरगरा समाज की विवाहित महिला की 3 नामजद आरोपियों ने गला रेत कर की थी हत्या। सिरोही के आबू रोड पर पीएम के दौरे को लेकर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा बांका क्षेत्र के दौरा कर लोगों को किया आमंत्रित। 10 मई को देश के प्रधानमंत्री के दौरे पर आमजन को जनसभा में भारी संख्या में पहुंचने के लिए किया आह्वान। असम में 100 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अजमेर में बड़ी कार्यवाही। निलंबित आईएएस सेवाली देवी और सहयोगी अजीत पाल राहुल अमीन को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने असम पुलिस की मौजूदगी में किया आरोपियों न्यायालय में पेश। अजमेर में काट रहे थे फरारी। अलवर के खेड़ली में सैनिक आरक्षण समिति की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। करीब 6 घंटे चली मीटिंग। बैठक के दौरान संघर्ष समिति द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर 10 दिन में समाज का सामाजिक व आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट पेश करने के मामले में चर्चा की। 21 अप्रैल को आंदोलन के जो हमारा आरक्षण का मसला चल रहा है उसमें जो आंदोलन था उसकी आज समीक्षा बैठक की गई है। चूँकि सरकार के द्वारा ओबीसी आयोग में चिट्ठी जा चुकी थी, ओबीसी आयोग के द्वारा कलेक्टर्स को जो है ना चिट्ठी आ गई है, उस पर जो है अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा की गई थी और आगे हमको किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे को अपनी बात रखना है, वो सारी बात पे जो चर्चा की गई है और उसी की आज समीक्षा की गई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में निर्जरा धाम आश्रम में 108 कुंडीय श्री महाराज श्री राम महायज्ञ का शानदार आगाज। सराय बालाजी मंदिर से निर्जरा धाम आश्रम तक हजारों की तादाद में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। जोधपुर में मोबाइल पर बात करते कार दौड़ा रहे युवक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोका तो पुलिस पर कार चढ़ाने का किया प्रयास। लगभग 300 मीटर तक बोनेट पर साथ ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। जोधपुर के पावटा राय का बाग बस स्टैंड पार्किंग में बम की सूचना पता लगा। यह महज एक मॉक ड्रिल थी, रेस्पॉन्स टाइम को जांचने के लिए रखी गई थी। पुलिस के आला अधिकारी सहित प्रशासन पहुंचा। आज राय का बाग जो अपना बस स्टैंड है उसके पास में जो जेआरपी का पार्किंग स्थल है इसमें हमें एक मॉक ड्रिल थी जिसमें कि हमें बम की सूचना मिली कि यहाँ पर पार्किंग स्थल में एक वाहन में बम है। उस पर तुरंत कंट्रोल द्वारा सभी को इन्फॉर्म किया गया। सभी जो टीम्स हैं जिसमें पुलिस आरपीएफ जीआरपी सिविल डिफेंस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड ईआरटी एटीएस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सभी यहां पर मौजूद आए और उसके बाद हमने इस ट्रिप को पूरा किया। श्रीगंगानगर में विधायक गोड व एसपी ने किया पुरानी आबादी थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण। विधायक कोष में इस कार्य के निर्माण पर 3 लाख की लागत आई है। कार्यक्रम के अवसर पर विधायक गोड ने कहा कि यह जिला सदैव शांति व सद्भाव के लिए जाना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेश टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेश टीवी।